हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को स्टार्ट हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन पर आपको सेलेक्ट करना है। अब साउंड एंड वाइब्रेशन के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन रिंगटोन। नोटिफिकेशन रिंगटोन पे आपको सिलेक्ट करना है। अब नोटिफिकेशन रिंगटोन के इस पेज में आपका ये जो ऑप्शन है ना म्यूट वाला, म्यूट के सामने टिक मार्क आपका पहले से लगा होगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग पहले से डिसेबल होगी। अब इस सेटिंग को है ना इनेबल करने के लिए आपको म्यूट के नीचे काफी सारी रिंगटोन दे रखी है नोटिफिकेशन की, इसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करनी है जिससे आपकी नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग इनेबल हो जाएगी। आप चाहे तो इसी सबसे ऊपर ये कस्टम रिंगटोन का ऑप्शन दे रखा है ना, इसमें से भी आप कोई से भी एक रिंगटोन आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपकी नोटिफिकेशन रिंगटोन सेटिंग आपकी इनेबल हो जाएगी। तो आप इसमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जब ये सेटिंग इनेबल हो जाएगी ना, तो अब ये सेटिंग काम कैसे करेगी, जब भी आपके फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपका मोबाइल फोन ये वाली साउंड क्रिएट करेगा। जो साउंड आप सेलेक्ट करेंगे उस साउंड को क्रिएट करेगा आपका फोन, ठीक है। तो ये सेटिंग इनेबल करने के बाद ऐसे काम करेगी। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है नोटिफिकेशन रिंगटोन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, तो आपको जो है ना नीचे की साइड में ये ऑप्शन शो हो जाएगा नोटिफिकेशन रिंगटोन का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाएगा ना, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।